अंकित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माता की जय। अंकित भाई से तो समय अभी 10:30 बज रही है और अब जाकर भाई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से मार्केट पावो मार्केट से। और बाकी देखिए, मौसम तो बिल्कुल साफ है, यानी कि पूरा नीला आसमान है। और कल हम लेट में घर से निकले थे तो लेट में यहाँ पहुँचे, फिर हम पावो मार्केट में ही कल रुके। तो अब यहाँ से निकल रहे हम आगे अंकित भाई के गाँव के लिए। तो चले फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अब बाकी जो हमारा रूम है वो 101 नंबर वाला है। हमला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ उठ गया? चले अब चलो। हैं पक्का? आज तो वही तुम रहो, हम रूम आया है कांची है, आज है मेहंदी, मस्त डांस करेंगे आज। और बाकी इस वाले रूम में हमारे लिए मस्त करके टीवी भी लगा रखी थी, हालांकि देखा कुछ नहीं हमने। और बाकी कंबल भी फोल्ड कर दिया और तकिया को भी मस्त करके रख दिया है। थोड़ी देर पहले आप देखते तो आप बोलते भाई क्या खतरनाक है, भयंकर बेहाल, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ भयंकर हमला हुआ होगा, लेकिन हमारे लोकेश बोला ने मस्त कर दिया। चल ठीक है बोला, धन्यवाद। ठीक है तो बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त लोगों ने कमरा छोड़ दिया, अब निकलते यहाँ से। चलिए जी करते हैं यहाँ से नए सफर की शुरुआत। बाकी पावो मार्केट बहुत अच्छा है और इस पे हम बचपन में गाना सुनते थे, ऐ जाहे भनुमती पावो बाजार तो एक ते लो लू मैं कुर्ता सुलारा। तो पहले हम पावो नहीं पापा सुनते थे कि ऐ जाहे भनुमती पापा, लेकिन अब जाके पता चला कि पावो है। तो लगभग हमें अभी 30-35 किलोमीटर का सफर और तय करना है। पावो से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे आने के बाद भाई साहब एक मुसीबत खड़ी हो गई है। और कहते हैं कि जब लंबा सफर कर रहे हो तो मुसीबत कभी भी खड़ी हो सकती है, ठीक हमारे साथ भी ऐसे हो गया। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है पांग गांव, लेकिन क्या करें, अखिल भाई की जो बाइक है उसकी चैन ही निकल गई भाई साहब, यानी कि पीछे वाले टायर पे जो चक्का है उससे चैन छूट गई है। अब तो बाइक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब हमें यहाँ से फिर से नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि किरकू मार्केट में, क्योंकि वहीं एक मैकेनिकल है, बाकी इस इलाके में कहीं भी मैकेनिकल नहीं है भाई। यानी कि हमें फिर से 5-7 किलोमीटर और नीचे जाना पड़ेगा। शुभ कार्य के लिए आ रहे हैं लेकिन क्या करें, मुसीबत सर पे आ गई, अब जाना जरूरी है। यहाँ देखो मेरा बोला एकदम टटका पड़ गया, क्या हो गया बोला? जुकाम हो गया? मैं सोच रहा तू टेंशन कर रहा है कि उसके वहाँ चैन निकल गई, तू जुकाम। चल तेरे को नीचे, तेरा भी नाक ठीक करवाता हूँ मैकेनिकल से, आजा। चलो भाई फिर से एक बार नीचे जाना पड़ेगा। चलो फिर निकलते हैं भाई साहब, भाई की चैन सही करानी भी जरूरी है यार, क्या कर रहे हैं आप, हमारी हड्डी ठीक ठाक हो गई अब। कहाँ हम लोग खुश हो गए थे कि चलो अंकित भाई का घर भी आने वाला है, कहाँ फिर निराश हो गए कि वापस जाना पड़ा 6-7 किलोमीटर नीचे। समय ये दुख का है, खत्म ही नहीं होता पता, मतलब भगवान ने हमारे नसीब में शादी में आना भी नहीं रखा हुआ भाई करना तो दूर बात करने की तो हम सोचे ही भाई कैंसिल, भगवान हमारे शादी तो कराने दूर की बात, दूसरों की शादी में भी आ रहे वहाँ भी नहीं दे रहे आने। ए भगवान गलती सलती माफ करना, चलो आज तो उसको ठीक करवाते जरा। तो चलो भाई यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर और नीचे हमें अब किरकू मार्केट में जाना है, क्योंकि किरकू मार्केट में ही मैकेनिकल है भाई साहब है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मतलब ऐसी वाली मुसीबत भी आएगी, हमने सोचा था कि टायर पंचर ना हो बस, लेकिन बाइक ने बिल्कुल चैन ही छोड़ दी। एक्चुअली बहुत जगह ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है तो इस वजह से चैन पे लोड पड़ा, तो अखिल भाई की बाइक ने चैन ही छोड़ दी, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से किरकू मार्केट। किरकू 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 रे। तो देखिए जी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे ढलान नहीं आ रही है वहाँ पे बाइक को धक्का मार के लाना पड़ा, लेकिन फाइनली ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है किरकू मार्केट। तो लगभग हम पहुँच ही गए हैं। बाकी चलिए जी यहाँ तो हम आगे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ये जो मैकेनिकल भाई साहब हैं ये वाला आज छुट्टी पे जा रखे हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं छुट्टी पे हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इधर अगल बगल एरिया में कोई मैकेनिकल भाई साहब है ही नहीं। अब देखिए जी मैकेनिकल भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट की लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थे, शायद उनका भी कुछ काम होगा, क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ एक ही मैकेनिकल है। हम इतनी टेंशन में थे ना आधे घंटे से यहाँ पे, हम बोल रहे हैं भगवान क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। वैसे तो अंकित भाई ने बोला था कि मैं कार भिजवाता हूँ, लेकिन देखो अभी क्या हुआ कि हमने दिमाग लगाया, ठीक सामने देखो ये है किरकू मार्केट और वहाँ पर एक ट्रक वाले भाई साहब हैं, तो उससे अखिल भाई ने क्या की ये 10 नंबर की चाबी लाई और हमें सिर्फ 10 नंबर की चाबी ही चाहिए थी, तो उससे क्या हुआ कि हमने चैन को इस पॉकेट पे लगा दिया है और बाकी अब ठीक हो गया भाई एकदम। चलो भाई काम बन गया हमारा, नहीं तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे भाई। तो इसीलिए बोलते हैं आपके पास गाड़ी हो या कोई भी वाहन हो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, और आज वही नॉलेज काम आया। लेकिन सच बताऊं तो भगवान पे भरोसा है भाई, हम आधे घंटे से टेंशन में थे भगवान क्या होगा हम कैसे फंस गए यहाँ, लेकिन भगवान ने सुन ली
और ठीक हो गया भाई, सारा मामला सेट हो गया। वो जो 10 नंबर की चाबी थी वो ट्रक वाले भाई साहब के पास मिल गई, वो कहीं नहीं मिल रही थी। अखिल भाई की जो बाइक की चाबी थी वो घर छूट रखी, और उससे पहले हमने लोकेश बोला कि बाइक की चाबी लगाई, लेकिन अपाचे की चाबी उसमें नहीं लग रही थी, लेकिन चलो हो गया सेट। और अखिल भाई चले गए ट्रक वाले भाई साहब की चाबी को वापस करने। तो भाई भगवान भी होते हैं, जब आप उनको बुरी परिस्थिति में याद करो तो जरूर भगवान हमेशा हेल्प करते हैं। हेल्प का मतलब होता है कि वो आपको घबराने नहीं देते हैं, निडर बना देते हैं, और आपकी जो बुद्धि है वो डबल काम करती है। हेलो, हाँ भाई, अरे हो गया ठीक हो गया, भगवान ने हेल्प कर दी भाई। हो गया, सब सही हो गया। बाकी भाई अंकित भाई भी कॉल कर ही रहे हैं बार बार की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो भाई दिक्कत तो सॉल्व हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से उनके गांव के लिए। तो चलो भाई, भगवान की कृपा से सारी जो मुसीबत है वो टल गई है, अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई और थक भी लग गया है। तो चलिए जी, दिन की 1:30 बजे और फाइनली अब जाकर हम तिमलखाल गांव में पहुंच गए हैं। तो अभी हमें थोड़ा ये चढ़ाई पार करनी है, फिर हम गांव में एंटर हो जाएंगे। तो बाकी चलिए, अंकित भाई ने हमें रूम भी दिलवा दिया है, बाकी ठीक, हमने अपना सामान यहाँ भी रख दिया है। तो अब निकलते हैं आगे अंकित भाई लोगों के घर के लिए। और ये चीज तो जरूर है भाई कि एक बार जब कोई आता है तो उसके बाद थोड़ा उसको ऐसा लगता है जैसे अपनापन है। जब मैं कुछ महीने पहले यहाँ आया था तो उस टाइम मैंने इस पूरे गांव को देखा था, तो तब से ऐसा लग रहा अपना ही गांव है भाई। ठीक, बहुत घूमा भाई इधर उधर, तो अब सारे रास्ते पता है, हर कोई मेरे को जानता है। और बाकी ठीक, सामने वाले छत पे देखिए, इस छत के ऊपर किसी ने मिर्च सुखाने डाल रखी है। और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ आज भी आपको पुराने मकान दिखाई देंगे। और जितने भी मेहमान है धीरे धीरे करके गांव आ रहे हैं। चलो भाई अब घर चलते हैं क्योंकि अंकित भाई बोल रहे हैं कि खाना खाने आ जाओ। चलिए दोस्तों, फाइनली हम अंकित भाई के घर में आ गए हैं। तो अंकित भाई के घर में आके सबसे मुलाकात कर लियो, बाकी आपको एक बार अंकित भाई के दर्शन कराते हैं जिनके वजह से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। क्या है भाई? बस बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अब कुछ दिन बाद हमको झांकना बंद कर देंगे। अच्छा, अब नहीं पूछेंगे, अब ये बैचलर नहीं रहे। चलो ठीक है, ठीक है यार, डराने लगे पहले। चलो ठीक है, बढ़िया है, खाना खाओ, खाते। तो बाकी गांव के सभी लोगों ने खाना खा लिया, और बाकी अब हमारी बारी है थोड़ी देर बाद खाना खाने की, क्योंकि मेरे भुला को बहुत भूख लगी। नहीं बोला तो बहुत ज्यादा भूखता, सॉरी मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसको। बाकी चले जी, खाना खा ले। और बाकी लोकेश बोला खतरनाक है भाई, अंकित को बोल रहा भाई मेहंदी अभी करवा दे बस। इसका मन अभी से नाचने का कर रहा है, वाले तुम और हम है बस। ठीक है, अखिल भाई भी भूखे है भाई, नागिन डांस होगा। हाँ, काम भूखा। बाकी दिन का खाना भी खा लिया है, और जहाँ अंकित भाई ने हमको रूम दिला रखा है तो वहाँ थोड़ा रेस्ट करने जाते हैं, क्योंकि अब जो मेहंदी का कार्यक्रम है वो तो शाम को होगा, तो शाम को ही होगा जो भी होगा डांस डूस। क्यों अंकित भाई है एक टांग पे? चलो बढ़िया। बाकी जो अंकित भाई ने रूम दिला रखा है थोड़ा वहाँ चलते हैं, अब हम तो आराम कर लेते हैं अब। बाकी देखिए जी, पहले के जमाने के मकान कुछ ऐसे हुआ करते थे, और दरवाजे इतने छोटे छोटे होते थे, यानी कि इसमें झुक के नीचे जाना पड़ता है। लेकिन भाई जो कमरे है ना काफी औसम है भाई, यानी कि यहाँ ना पंखा चाहिए ना एसी चाहिए, बहुत अनुकूलित होते हैं भाई। और देखो भाई काफी खूबसूरत है अंदर से, एक चारपाई यहाँ लगी हुई, एक यहाँ पर, और बाकी 2-3 रजाई गद्दे नीचे बिछाएंगे। और ऊपर से देखो कितना खूबसूरत डिजाइन कर रखा है। बोला खा लिया खाना? पची बिरा पची क्या? अच्छा चल ठीक, आराम करा। अब सब शाम को ही होंगी तेरे दर्शन। चल एक नींद निकाल है, सांस ही मत छोड़ देना कहीं। दवाई दे दो, मैं दवाई दे दूँ तेरे को, असली वाल दे दूँ। चल ठीक, आराम करा। अखिल भाई सीधे शाम को मुलाकात है। चलो भाई सो जाते मस्त करके, अब सीधे शाम को मिलते हैं आपको मेहंदी में। तो समय अभी रात की 10 बज रही है, फाइनली मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो रात के अभी 10 बज रही है, और अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं, इसके बाद होगा मेहंदी डांस। हाँ बोला मेहंदी डांस होगा। अमित भाई फुल यहाँ रखा, अमित बोला, आसू भाई, और ठीक सामने पे लोकेश बोला, और यहाँ पर है अखिल भाई। ठीक है, मस्त करके गर्मा गर्म खाना खाते हैं। हाँ अभी के समय में सभी भाइयों का फोटो शूट चल रहा है। अंकित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकित भाई सिंह, अंकित भाई सिंह जय।
रात की 12:30 बज रही है और थोड़ी देर पहले यहाँ मास्क करके सभी लोग झूम रहे थे, लेकिन अब डीजे बंद हो गया है क्योंकि अब जो गांव का टाइम है वो भी खत्म हो गया भाई। शहर में लिमिट होती है 9:30 से 10:00 बजे तक, लेकिन गांव में 12:30 बजे तक लिमिट है बस।